कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये 1 किलो संतरा है, इसे मैं 2 टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और चलिए चलते हैं संतरे का जूस निकालने। फूड प्रोसेसर में बहुत डिमांड आ रही थी ये वीडियो बनाने के लिए। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ फूड प्रोसेसर का ये रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसमें संतरे का जूस निकाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत कमेंट्स आ चुकी थी कि फूड प्रोसेसर में संतरे और नींबू का रस कैसे निकाला जाता है, तो आज मैं संतरे का जूस किस तरह निकाला जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा जो ये देखिए यहाँ पर जो ओपन पार्ट है उसे मैं कवर कर दूंगी, क्योंकि यदि ये इसे कवर नहीं करूंगी तो ये पार्ट हमारा वर्क नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे क्या क्या लगाऊंगी ये देखिए, ये एक पतली सी आती है इसके साथ अटैचमेंट, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हमें संतरे और जो नींबू का रस वगैरह या मौसम्बी का जूस निकालना होता है वो इसमें ही ये काम आती है। ये पतली सी इस तरह से होती है, ओके अटैचमेंट, इसे मैं ऐसे मिडिल में डालूंगी। और एक अटैचमेंट ये है, ये जाली नुमा, ओके, इसके ऊपर इस कैप को मैं फिट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से देखिए मूव करती है, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे यू करके इसमें लगाऊंगी और यहां पे लॉक करूंगी, ओके। इसे मैं आपको क्लोज करके थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो बटन्स है इसे मैं दबाऊंगी और इसे इस तरह पुश करूंगी। जब इसे दबा के इधर पुश करेंगे तो एक कट से आवाज आएगी, ओके। मैं रख दिखाती हूँ आपको, इसे मैं दबा के इधर पुश, देखिए ये हो गई है लॉक। यहाँ पे ये लॉकिंग सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर पुश करने का है, इसे पुश करके देखिए ये इस तरह से ऐसे निकला हुआ है। इसे जब मैं इस तरह से दबा करके इधर पुश करके छोड़ दूंगी तो ये हो गई है लॉक, अभी हिलेगी, ठीक है। अब ये वर्क करने लायक हो गई है, तो अब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। अब देखिएगा
थोड़ी बहुत यहाँ पर जो ये बची है इससे मेरा हाथ बहुत साफ है, गंदा नहीं है। ओके, मैं हैंड अच्छी तरह वॉश कर ली थी, इसे मैं इस तरह से यहाँ पे हल्का सा दबा दूंगी तो ये थोड़ा बहुत जो है रस जो है वो भी जो है अंदर की तरफ गिर जाएगा। ये वीडियो मैं स्किप नहीं की हूँ, जरा भी आपको दिखाने के लिए लगातार चलाई हूँ। ये देख सकते हैं इतना पल्प निकला है, ये बहुत ज्यादा पल्प नहीं है, मैंने सारा पल्प निकल चुका है। अब ये एक किलो संतरा था तो इसकी ये जूस इतना निकला है, इसे मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना हो रहा है। अभी इतना इसमें है ही। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप फूड प्रोसेसर में किस तरह ऑरेंज का जूस निकालते हैं ये आप देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ।